नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। भले पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन देश के किसान कृषि बिल 2020 के 3 कानूनों में बदलाव को लेकर पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से आंदोलनरत हैं। किसानों के आंदोलन को देश भर के 23 राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने से अब तक इनकार करती रही है। कई दौर की वार्ता के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। इधर किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों के समर्थन में सरायकेला खरसावां जिला से होकर जमशेदपुर के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व कांग्रेसी नेता मुन्ना शर्मा ने किया। मुन्ना शर्मा ने आंदोलनरत किसानों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया और केंद्र सरकार से अविलंब कृषि बिल 2020 वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने किसानों की मांग को जायज बताते हुए जरूरत पड़ने पर दिल्ली भी जाने का ऐलान किया। वैसे मुन्ना शर्मा पहले दिन से ही किसानों के समर्थन में आंदोलित हैं। उधर जमशेदपुर से भी भारी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो शहर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरी। पूरे भारत में मजबूत किसान आंदोलन जो चल रही है, उसके विरोध में अहंकारी सरकार के विरोध में ट्रैक्टर रैली जो है ना दिल्ली में हो रही है, और सरकार को यह चेतावनी दिया जा रहा है कि अगर इस कानून को अगर वापस नहीं लिया गया तो पूरे भारत का किसान जो है ना दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। यहां से आदिपुर से निकाले हैं, आम बगान जाएंगे, आम बगान से जो है ना पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और कर करके जो है ना किसान के सपोर्ट में तमाम जनता को ये जागरूक करेंगे कि अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से भी हम ये आग्रह करते हैं कि अगर वो इसमें हस्तक्षेप करके अगर किसानों के हक की अधिकार नहीं दिलाते हैं तो न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।